आ जाओ दोस्तों, आज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1 लाख से 1.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह पाने वाले का जो सच है अमेरिका में वो क्या है। और जो फिर डोंकी पे आते होंगे, जो इलीगल आते होंगे, उनके बारे में आप खुद ही अंदाज़ा लगाना कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती होगी। तो ये घर है ना जिसको आप देख रहे हो, डबल स्टोरी का घर है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन हाँ, ये डबल स्टोरी घर है। तो आप उससे अंदाज़ लगा लो कि कमरों की ऊँचाई क्या होगी, और उसमें 4 लोग रहते हैं, 3 नीचे के हिस्से में और 1 ऊपर के हिस्से में। लड़का या लड़की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकते हैं वो लोग। लेकिन जो उनका सच है आज मैं वो दिखाऊंगा, और बहुत ही भरे हृदय से दिखा रहा हूँ आपको। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा दोस्त रहता है यहाँ पर, आज वो अपना घर चेंज कर रहा था, उसने मुझे बुलाया था, कहा था यार मेरा घर शिफ्ट करवाए तू, मेरा सामान जो है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ उसका सामान शिफ्ट कराने के लिए। और चलो भी चलते अंदर, देखो मैंने ये देखो सीढ़ी जा रही है। इमेजिन कर लो कि अब डबल स्टोरी का घर है तो कितने ऊंचाई कमरे होंगे और क्या होंगे। और उसके कमरे में लेकर चलूंगा भी आपको। उसने कहा था कि तू वीडियो बना सकता है, मैं उससे बहुत दिनों से कहता था, वो हमेशा मुझे मना करता था कि नहीं नहीं यार रहने दे, तू क्या बनाएगा वीडियो। लेकिन जब मैंने आज आके यहाँ सच दिखाना था यार, तो बस, पर मुझे वीडियो बनाना भी था, आप लोग को दिखाना भी था। ये है उसका कमरा और ये उसका बिस्तरा है। वो एक कोने में कंबल पड़ा हुआ है पतला, और ये उसका बिस्तर है। और जो ये गद्दा है वो भी उसका नहीं है अपना, वो जो पहले रहता था वो छोड़ गया था इस कमरे में। 4 लोग रहते हैं, 1 लड़की है और 3 लड़के रहते हैं, कोई किसी को जानता नहीं, सब मजबूरी का सौदा है और रहते हैं। अब आज ये छोड़ के जब जाएगा घर अपना तो 3 रह जाएंगे, फिर वो तलाश करेंगे, ढूंढेंगे किसी और को, जल्दी जल्दी मिल जाए, वरना उन 3 को किराया देना पड़ेगा वो 4 का। तो आप देख लो, कोई नहीं है यहाँ पर अपना कहने के लिए उनके पास, 4 के पास कोई नहीं है। और ये कपड़े हैं उसके, बस दैट्स इट जो टंगे हुए हैं, और 2 जीन्स होंगी शायद, किसी किसी के पास 3 होती हैं और किसी किसी के पास 1 ही जीन्स होती है, उसी में ज़िंदगी कट रही होती है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी एक सच है, 1 से 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह मिलने वालों का सच। वो देख लो 7-Eleven की शर्ट टंगी हुई है ना, सच बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त है। और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यार मुझे आपको दिखाना भी था ना, ये भी सच। सब लोग कहते हैं कि आप तो उजला उजला दिखाते हो, तो यार एक ये पक्ष भी है जिसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख लो, ये कमरा है एक छोटा सा उसका, कोई नहीं है उसके पास अपना कहने के लिए यहाँ पर, बस यही है सब कुछ, जो कुछ भी है। और एक उसने म्यूज़िक सिस्टम खरीद रखा है जिस पे रात को गाने सुनता होगा, अपना टाइम पास करता होगा। चलो टॉयलेट दिखाते हैं आपको, ये रेस्ट रूम, ये टॉयलेट है, और यहीं पर आप मुँह धोते हो अपना, सब जो कुछ भी है। 3 लोग शेयर करते हैं इसको, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ इसी में ही है। अभी जो गंदगी पड़ी सारी इसी ऊपर स्लैब के ऊपर, और वो देख ही रहे हो आप, कोई किसी से कह सकता नहीं कि तू इसको हटा, जब उसका मन होगा हटा देगा, नहीं रहना तो मैं जाओ कहीं और देखो घर, किसी ने अपनी गंदगी छोड़ दी वहीं पर, सब पड़ी हुई है ऐसी। ये एक टॉयलेट है, 3 लोग यूज़ करते हैं, और जिसके पास मास्टर बेडरूम होता है उसके पास अपना टॉयलेट सेपरेट होता है, एक होता है वो बस एक घर में। और ये नहाने का एरिया है, 3 लोग इसी में नहाते हैं, कोई किसी से कह सकता नहीं कि तू सफाई कर या मत कर, अगर कोई नहीं करता है तो। यार ये है जीवन, देखो। और ये मेरा एक दोस्त नहीं है, मेरे अनगिनत ऐसे दोस्त हैं जो ऐसे जीवन बिता रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद, और फिर पढ़ लिख के कुछ अपना जीवन अच्छा बना सकेंगे। ये देख लो, ये टॉयलेट और जो मतलब आपके बाथरूम ड्रेसिंग रूम सब कुछ यही है। एक ये डाइनिंग टेबल है एक, जिसे सब कॉमन इस्तेमाल करते हैं, और वो मेरा दोस्त है। यह बहुत सारे बच्चों की यही ज़िंदगी है, ये भी एक सच है, जानो और देखो आप। मेरे दोस्त ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि यार तू किसी तरीके से मेरा सामान शिफ्ट करवा दे, तो देख लो ये जो 4 डब्बे ना, बाकी और सामान मत देखना, यही उसी गृहस्थी है, बस 4 डब्बे जो पड़े हुए हैं नीचे, जो पड़े हैं बॉक्स गत्ते के, वही ज़िंदगी है उसकी बस। और बहुत से पास ये भी नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी एक सच है अमेरिका का। देखो यार, जानो इसको भी आप लोग, तो आप खुद अंदाज़ लगाओ
कि जो अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से आते होंगे उनकी कितनी मट्टी कुट्टी होगी यहाँ पर। हाँ, उनमें से कुछ लोग बाद में बहुत मेहनत करने के बाद में हड्डी पसली कुटाकर अपना कुछ जीवन सही कर लेते हैं, लेकिन बाकी का आप अंदाज लगा सकते हो। ये इलीगल व्यक्ति है जिसकी घर है, दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर रहता है, और देख लो आप, ये भी एक सच हैगा, काला सच। किचन दिखाता हूँ आपको, वो सामने बोतलें दिख रही हैं दारू की रखी, बियर की बोतलें, है ना। और ये अपने यहाँ तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलर किचन, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ हैगी। उधर का सिंक देखो, सब भरा हुआ बर्तनों से, कप पड़े हुए हैं, किसी का अपना ग्लास पड़ा हुआ है, और ये साइड में दो कप रखे हुए, उसमें दारू छोड़ दी रात को, ज़्यादा हो गई तो पड़ी हुई इसी के अंदर ही। कोई किसी से आप नहीं कह सकते हो कि तू हटा या क्यों छोड़ दिया है, क्यों गंदगी फैला रखी तूने, कुछ नहीं यार, सब एक मेहमान हैं, सब ऐसे ही रह रहे हैं बस। इस घर के अंदर चार लोग हैं, सिर्फ इतना जानते हैं वो एक दूसरे को कि वो एक घर में रहते हैं, दैट्स इट। उससे उसके अलावा कुछ नहीं। किसी की किसी दोस्ती हो जाए आपसे तो अलग बात है, वरना अलग जीवन है सब। ये किचन है देख लो, एक किचन इस्तेमाल करते हैं सब, और किचन में सुविधा सब होंगी, कपड़े धोने के लिए वॉशर ड्रायर होगा, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर होगा, एक फ्रिज होगा और टोस्टर होगा। ये किसी और लड़के घर जो है रहता है, जब घर लिया होगा तब आके सामान डाला होगा अपने यहाँ पर, देख लो खोलने तक की फुर्सत नहीं है। सारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है ना कि बता नहीं सकता हूँ आपको। अकेलापन, कोई नहीं आपके पास, फिर आपको नौकरी भी जाना है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे शिफ्ट करते हैं लोग। ये फ्रिज है, ये सबका जीवन नहीं है, लेकिन एक एक बहुत बड़े हिस्से का ये भी जीवन है यार। देखो जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो मैं उनको दिखाना भी चाहता हूँ ये पक्ष भी है। और ये कॉमन रूम है जिसमें सबका, गेस्ट वगैरह कोई आता है तो वो यहाँ पर आकर बैठ सकता है, बात कर सकता है उनसे बैठ कर। और जो अभी मैंने कमरा दिखाया था, हो सकता है रात को ही ज़मीन पर सो जाता हो। वो देख लो, पंखा लगा हुआ ऊपर, तौलिया बांध रखी वहाँ, ये भी एक अमेरिका है। और आज वो बहुत खुश था कि वो एक नए घर में जा रहा है। ओह माय गॉड, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही दुखी हुआ हूँ देखकर ये सब। मैंने तो उन लोग से मैं सुनता था, जब कहता था मैं चलूँगा यार तेरे घर, तेरा वीडियो बनाऊँगा, तो कहता यार क्या बनाएगा तू, मेरे घर में है क्या मेरे यहाँ। फिर उसकी आज मजबूरी हुई तो वो मुझे ले गया, बोला चल तू वीडियो बना लेना और मेरा सामान शिफ्ट करवा देना। और ये बस्ती जो देख रहे हो, जो घर है, ये एक तरीके से गरीब बस्ती है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा होगा आपको, लेकिन यार जो हर एक चीज़ जो देखने में सुंदर लगती है ना, ये चमकती है, ये चमकदार होती है, वो सोना थोड़ी होती है कोई। अब देख लो यार, ये भी एक अमेरिका है ना। आप में से बहुत से लोगों के पास माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, यहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। कदर करो यार उनकी, प्यार से रहो अपने भाई बहनों के साथ में, माँ बाप की इज्जत करो, उनका ध्यान रखो। देखो यहाँ पर कितने लोग ऐसे जिनके पास कोई नहीं है, सही बता रहा हूँ, कोई भी नहीं है अपना कहने के लिए, अकेली ज़िंदगी बिल्कुल। बहुत से लोग पढ़ लिख के फिर बाद में अपना जीवन अच्छा बना लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से का जीवन जो है वो इसी तरीके से गुजरता है। देख लो आप, ये सच भी दिखा रहा हूँ आपको एक। अब जो लोग सोचते हो बहुत कि वहाँ अमेरिका है अमेरिका है अमेरिका है, तो यार देखो ये भी है एक अमेरिका। और अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, लगाओ कि लोगों को जानना चाहिए इस पक्ष के बारे में भी अमेरिका के, तो वीडियो को शेयर करना ज़रूर से, चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले समय में और बहुत सारी हिस्से दिखाऊंगा अमेरिका के आपको। और शीशे पे किसी चिड़िया ने बीट कर दिए, मुझे ध्यान ही नहीं था उसको साफ़ करने का, तो बस ऐसी वीडियो बन रहा है। तो यार जानो, ये पक्ष भी एक अमेरिका का है ना। अब आ गया हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर उसका नया घर है, लेकिन मैं इतना भर चुका था ना यार, इतना दुखी हो गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके दूसरे घर में जाके और उसका वीडियो बना सकूं। वहाँ पर उसने कहा चल तू बना ले, पर यार किसी की बस क्या बताऊं, मतलब बहुत ही दुखी था, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं वहाँ पर वीडियो। और अब ये जिस घर में शिफ्ट हो रहा ना, $2200 $2,200 किराया है पर मंथ, और चार लोग शेयर करते हैं उस घर को। इसका शेयर जो है वो है $550 या $550। फिर उसके बाद यार फिर आपको कुछ कपड़ा लत्ता भी खरीदना होता है, कुछ आपके शौक भी होते हैं, कुछ बहुत सारे और खर्चे होते हैं आपके, है ना। किसी के पास गाड़ी भी होती है 1200-1500-2000 की, उसका भी मेंटेनेंस होता है, सब कुछ होता है। तो यार एक ये भी जीवन है देखो आप। और
बहुत ही मजबूरी में मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग मुझे तमाम तरह की बातें बोलते हैं कि यार आप वो दिखाते हो तो यार देखो ये भी है एक अमेरिका, है ना। और अभी लेके जा रहा हूँ उसके घर पे, जो नया घर उसने लिया है। बस मत पूछो यार, क्या मैं बताऊँ आपको, मैं मतलब एक बहुत ही भयावह पक्ष भी है अमेरिका का। उसने मुझसे कहा कि तू चल ऊपर बना ले वीडियो, लेकिन यार मैं इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं दुखी हो गया था। तो मैंने कहा यार मैं कभी और आऊँगा मैं तेरे पास फिर वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने उसका सारा सामान वगैरह ऊपर पहुँचाया उसका, और उससे विदा ली। और आप जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ घर, क्या ये जितने घर दिख रहे हैं आपको बड़े आलीशान लग रहे होंगे, लेकिन सब घरों की ऐसी कहानी है, किसी घर में 3 लोग, किसी में 4 लोग, किसी में 2 लोग मिल बांट के रह रहे हैं, और एक बहुत बड़े हिस्से का ये भी जीवन है अमेरिका में। तो देखो यार, आई एम वेरी सैड ये पक्ष दिखाकर, लेकिन ज़रूरी था आपको ये भी जानना। चलो फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, ब्रेक के बाद। बाय।